हेलो एवरीवन, वेलकम टू जश ब्यूटी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? अभी मैं आपके लिए पार्ट थर्ड लेकर आई हूँ हल्दी फंक्शन का, एंड आज ही संगीत प्रोग्राम भी है, तो इसी व्लॉग में आपको दोनों मिलेगा। तो पहले हल्दी का फंक्शन हो रहा है एंड उसके बाद में फिर नाइट में जो है वो रहेगा संगीत प्रोग्राम, ठीक है। तो हल्दी फंक्शन में जो नेक्स्ट रस्म थी वो इस तरह से हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह ये गेहूं है और एक दूसरे में इधर डाल रहे हैं फिर इधर डाल रहे हैं, इस तरह से ये एक रस्म होती है, वो करते हैं सब लोग। दो 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 लोग आते हैं और फिर इस तरह से ये करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए, इंजॉय करिए, एंड काफ़ी अच्छी रस्म होती है। जैसे कि आप लोगों में से काफ़ी ने कमेंट किया कि दी हमारे यहाँ तो बिल्कुल चेंज होती है, तो सभी के देखिए बहुत चीज़ें हैं वो डिफरेंट होती है ना, सबका बिल्कुल जो शादी में फंक्शंस हैं वो अलग अलग होते हैं, तो हमारे तो इसी तरह से होते हैं। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग न्यू चीज़ें देखेंगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा, है ना, एंड नई नई चीज़ें आपको भी देखने को मिलेगी, है ना। तो इस तरह से ये एक रस्म होती है, एंड ये होने के बाद में फिर नेक्स्ट एक और रस्म होगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले ये देख लीजिए, एंड यस, वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 लाइक करके जाइएगा, बिना लाइक किए मत जाइए, अभी कर दीजिए वरना आप लोग भूल जाएंगे, है ना। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। मेरा मेन चैनल जो है वो चिश ब्यूटी है, एंड जहाँ पर मैं आपके लिए हमेशा हेयर केयर की वीडियोज़, स्किन केयर की वीडियोज़, ब्यूटी की वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आई थैंक यू सो मच। एंड आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स को जब मैं रीड करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप मेरी सब इतनी प्यारी प्यारी बहनें हैं, एंड मैं आपको दिल से सिस्टर्स मानती हूँ, आप भी मुझे अपनी सिस्टर मानते हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, एंड इसीलिए मैंने ये ब्लॉग शूट किए हैं आप लोगों के लिए, बिकॉज मुझे पता था आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि तीन दिन जब वीडियो नहीं आई और आप लोगों के इतने सारे कमेंट आ रहे थे, आप लोग सब मुझे इतना मिस कर रहे थे, तो मैंने कहा चलिए आपके लिए ज़रूर मैं ब्लॉग्स बनाऊंगी कि मैं तीन दिन कहाँ थी, क्या कर रही थी, एंड शादी कैसी रही, वो सब कुछ, है ना। तो अब आप लोगों को खुद को पता चल रहा है ना वन बाय वन कि हाँ कितनी ज़्यादा मैं बिज़ी थी एंड कितना इन्जॉय किया मैंने सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ में, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये एक रस्म हुई है, अब नेक्स्ट हो रही है सेकंड रस्म, एंड यहाँ पर जो दीदी खड़े हैं ये हैं बाजी मेरी जो कि कज़न है इनकी दूल्हे की सिस्टर, एंड ये रस्म कर रहे हैं अब नेक्स्ट वाली जो है। इसमें आप देख रहे हैं ये एक दुपट्टा होता है जो कि सिर के ऊपर रख के चारों तरफ से पकड़ के खड़े होते हैं, है ना, एंड इसके बाद में हल्दी का जो है वो हल्दी चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है, एंड इसमें हल्दी होती है, पान होता है, जो बेटल लीव्स है ना वो, एंड उसको हल्दी में भर कर और फिर लगाते हैं, जैसे कि अभी आप लोग देखेंगे। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सबके डिफरेंट कल्चर होता है, सबका जो है वो चेंज होता है फंक्शंस, है ना, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, ओके। एंड यहाँ पर अभी बस ये लोग सेट कर रहे हैं, उसके बाद में आप लोग देखिए, तो यहाँ पर दी है ना वो इस तरह से हल्दी चढ़ा रहे हैं, जिसमें अपने दोनों हाथों को क्रॉस में किया जाता है, एंड क्रॉस में करके और जो पान होता है ना उसको हल्दी में लगाते हैं, मतलब हल्दी लगाते हैं, पान पान के ऊपर हल्दी लगती है, एंड उसके बाद में फिर दूल्हे के जो भी है वो पैरों पर, है ना, हाथों पर, कंधों पर और सिर पर हल्दी चढ़ाई जाती है। तो ये एक फंक्शन होता है, एंड आप लोगों में से किस किस के ये सेम होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले। एंड यहाँ पर ये जो जीनत दी हैं ये भी खड़ी हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, ये बहुत सुंदर लग रही थी, एंड सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो सब ने बहुत इन्जॉय किया एंड बहुत मज़ा आया शादी में। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये फंक्शन हो रहा है,
एंड फंक्शन कंप्लीट होने के बाद में फिर हम लोग सब अपने रूम में आ गए थे, थोड़ी सी देर रूम में रेस्ट कर रहे थे बिकॉज बाकी सब लोग दुल्हन के यहाँ पर गए थे। दुल्हन की भी यही सारे रस्म किए जाते हैं ना, तो ससुराल से दुल्हन के वहाँ जाते हैं एंड उनके भी सब ये करके और फिर वापस आते हैं। तो हम लोग इसलिए रूम में आ गए थे और सब ने बोला था चलने के लिए, बट एक्चुअल में क्या हम लोगों का वापस जाने का था घर पर कि आज चले जाते हैं फिर 2 दिन स्टे कर लेंगे, बट ये है कि फिर गए नहीं थे और फिर यहीं पर रुक गए बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था ना रात में। इसलिए फिर खाला जान आई हैं और हमें मेहंदी दे रही हैं कि जल्दी से मेहंदी लगा लें सब लोग, तो बस हम लोग फिर मेहंदी वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया था सब लोगों ने, सब अपने अपने खुद से ही मेहंदी लगा रहे थे एंड यहाँ पर मैंने अपने मेहंदी लगाई है। और उसके बाद 1 घंटा हुआ था करीब, 1 घंटे के बाद में फिर सब लोग वहाँ से आ गए थे दुल्हन के घर से और उसके बाद में फिर डांस का प्रोग्राम हुआ था एंड मैंने तो ड्रेस भी चेंज कर ली थी बिकॉज उसमें वो वाइट थी ना, तो मैंने सोचा मेहंदी लगाएंगे तो वो वाइट गंदी ना हो जाए क्योंकि उसकी स्लीव्स भी फुल थी, तो मैंने इस चक्कर में ड्रेस चेंज कर ली थी। एंड उसके बाद में फिर फंक्शन हुआ तो फिर मैंने वापस ड्रेस नहीं चेंज की और मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर बाहर चले गए थे एंड उसके बाद में डांस का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ था, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती की एंड सब ने बहुत बहुत सारा डांस किया, तो आप लोगों को वो डांस का वो भी देखने को मिलेगा, तो आप देखना पूरा फुल डांस है ना। एंड इसके बाद में फिर बस मेहंदी लगाने बैठ गए थे और बस उसके बाद फिर जैसे ही सब लोग आ गए थे तो जल्दी से बुलाने को ही आ गया था कि चलो बाहर चलो, सब लोग आ चुके हैं एंड अब हम लोग डांस वगैरह का थोड़ा सा प्रोग्राम करेंगे एंड खूब मज़े करे, खूब इंजॉय किया, जैसे भी था सब डांस करना स्टार्ट हो गए और बस खूब मज़े करे।